ढंग से जानकारी एकत्र करके कि समय पे जानकारी देने का जिनका रिकॉर्ड अच्छा है उनको किसी भी रूप में सम्मानित किया जाए। दूसरा, क्योंकि सरकार के स्तर पर प्रशिक्षण नहीं हो रहा है लोक सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारियों का नियमित रूप से, इस कारण भी लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है, सही निराकरण नहीं हो रहे हैं, समय पे नहीं हो रहे हैं, तो इनकी सूचना के अधिकार के बारे में एक जनरल नॉलेज जैसी परीक्षा भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी रूप में आयोजित की जा सकती है और अच्छे लोक सूचना अधिकारियों को पुरस्कृत किया जा सकता है आयोग की ओर से किसी भी रूप में। और ऐसा किसी एक राज्य में अभी नाम में ध्यान नहीं आ रहा है, हुआ भी है, उन्होंने लोक सूचना अधिकारियों की परीक्षा आयोजित की, उससे प्रेरणा मिली लोगों को पढ़ने का, इसके प्रावधान जानने का लोक सूचना अधिकारियों को। आप 80% से ज्यादा लोक सूचना अधिकारियों को फेल करने की योजना बना रहे आत्मदीप जी। नहीं नहीं सर, वो जो कह रहे हैं वो फेल, बहुत अच्छा बात है सर ये। राहुल सर, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, इससे आपने शुरुआत किया था कि जो अच्छा काम करे उसको प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। मैं तो इसमें चीज और ऐड करना चाहूंगा उनकी तरफ से, एक और चीज, सिर्फ उनको सम्मानित ही ना करें, उनके जो उनकी जो सेवा पुस्तिका है उसमें भी ये बात दर्ज कराई जाए कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस कानून को बहुत ही पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल भी किया और एक अच्छे अधिकारिक रूप में इन्होंने अपने निर्वहन का जो उन्होंने अच्छा सा निर्वहन भी किया, ये भी किया जाए। अगर आप ऐसा अपने यहाँ कुछ करते हैं राहुल सर, तो हम लोग इसको चारों तरफ फैलाएंगे ताकि बाकी लोगों को भी इसको मिले कि नहीं हमारे साथ अच्छा हो रहा है। आप ही ने भी बोला ये बात, बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात कि जब मोटिवेशन होता है तभी हम लोग जो अपना सोच हो तो हम लोग हावी हो जाते हैं, जबकि होगा तो जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाए, शुरू हो जाएगी अपने आप। देखिए, जो अच्छे लोक सूचना अधिकारी उनसे हम लोग दूर ही रहते हैं, उनके कंप्लेंट्स आती ही नहीं हमारे सामने, तो उनके प्रकरण आते ही नहीं है, तो ये व्यवस्था जो है ये उनके लिए जरूर अच्छी है। जो मतलब वो अच्छा ही है कि वो लोग, हम लोग तो अपने जो जो बहुत ही लॉ का वॉयलेट करने वाले जो सूचना अधिकारी उनसे ही दो चार होते रहते हैं पूरे टाइम। हमें लगता है कि वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, उसका एवेल्युएट करें, अगर वो लोक सूचना अधिकारी के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको पुरस्कृत करें, और वो ज्यादा बेटर मुझे लगता है कि वो एक मैकेनिज्म हो सकता है, क्योंकि सूचना आयोग जो है अभी अपने उनके पास वैसे स्टाफ की कमी है, और वो जो जितना वॉयलेशन हो रहा है सूचना के अधिकार अधिनियम का, अभी हम लोग उसी से ऊपर नहीं उठ पाए। तो और जहां तक आत्मजीव का सवाल, ये सवाल बहुत ही जो सुझाव था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की डेट में अगर ये एग्जाम कर दिया जाए तो 80% से ज्यादा लोक सूचना अधिकारी फेल हो जाएंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये भी दिक्कत है। बहुत लोक सूचना अधिकारी जो है बहुत अच्छे से काम करते हैं, और बहुत कम प्रथम अपीलीय अधिकारी बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनकी गणना जो है वो बहुत, मतलब गिनती जो है बहुत उंगलियों पर ही है। नारायण